के साथ मैं हूं विद्यनाथ झा। आज सुबह से उत्तर भारत के लोग कोहरे की कैद में, हालांकि इस वक्त कोहरा कम हो गया है लेकिन अभी ये कोहरा कुछ दिनों तक रहेगा। ठंड भी बढ़ सकती है और कोहरा और ठंड तो इस मौसम में आते ही हैं, लेकिन इसके साथ तीसरा मेहमान है जो बिन बुलाए आया है, वो है प्रदूषण। प्रदूषण की वजह कोई दूसरा नहीं, हम और आप ही हैं। आपको लग रहा होगा कि प्रदूषण सिर्फ घर से बाहर निकलकर सड़क पर या किसी खुली जगह पर ही आपको नुकसान पहुंचाता होगा, लेकिन बाहर का प्रदूषण जितना आपको परेशान करता है उतना ही घर के अंदर का प्रदूषण आपको बीमार बनाता है। आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी आंख नाक ढक कर जाते हैं, मास्क लगाकर जाते हैं। कई लोग तो बाहर निकलने की बजाय घर में ही रहना बेहतर समझते हैं, लेकिन आपको बता दें कि घर के अंदर प्रदूषण भी धीरे धीरे आपकी जिंदगी कम कर रहा है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक घर के अंदर प्रदूषण से हर साल करीब 43 लाख लोगों की मौत होती है। घर के अंदर प्रदूषण की सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं और बच्चे होते हैं। बच्चों में अस्थमा की समस्या खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि घर के अंदर प्रदूषण को कम किया जाए। इसके साथ यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि विश्व का हर सातवां बच्चा विषैली हवा में सांस ले रहा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल करीब 6 लाख बच्चों की घर और बाहरी प्रदूषण से मौत होती है। आपको बताएंगे कि ये इनहाउस पॉल्यूशन दरअसल है क्या, यानी घर के अंदर का प्रदूषण क्या है, लेकिन उससे पहले आपको आज कोहरे से परेशान शहरों की तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए दिल्ली और मुरादाबाद की तस्वीर है। दिल्ली में कोहरा धीरे धीरे खत्म हो गया है, लेकिन कई जगहों पर सुबह सुबह विजिबिलिटी बहुत कम रही। मुरादाबाद में कोहरे की वजह से वाहनों की स्पीड बेहद कम रही और ठंड से भी लोग परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। मंगलवार का दिन तीसरा सबसे ठंडा दिन रहा इस मौसम का और आने वाले दिनों में जो ठंड है वो और बढ़ सकती है, कोहरा भी बढ़ सकता है, ये मौसम विभाग का कहना है। आपको बताते हैं कि घर के अंदर प्रदूषण का मतलब क्या है और कैसे ये जान के लिए खतरा बनता जा रहा है। घर में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें हैं जो प्रदूषण को बढ़ाती हैं। इनसे जहरीली गैस निकलती है। हवा साफ करने और घर को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं हम और आप, लेकिन एयर कंडीशन को लगातार चलाने से और पुराने एयर कंडीशन से जहरीली हवा निकलती है जो खतरनाक है। इसी तरह घर में खाना बनाने से निकलने वाले धुआं, मसालों का धुआं भी स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। घर में पेंट और पुताई के वक्त भी हानिकारक केमिकल से प्रदूषण होता है। यहां तक कि फर्नीचर के पेंट में भी हानिकारक केमिकल होते हैं। इसी तरह डिटर्जेंट में हानिकारक केमिकल होते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो कोहरे का असर न सिर्फ सड़कों पर है बल्कि लोगों की सेहत पर भी इसका असर पड़ रहा है। कोहरा आपके स्वास्थ्य पर क्या असर डालता है और उससे कैसे बचा जाए, इस मौसम में इसे समझना बेहद जरूरी है। कोहरा ज्यादा होने से फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, क्योंकि कोहरे से हवा में प्रदूषण के कणों की मात्रा बढ़ जाती है। सांस के जरिए प्रदूषण के कण फेफड़ों में पहुंच जाते हैं, जिससे सांस की तकलीफ और घबराहट बढ़ जाती है। इस तरह कोहरा ज्यादा होने से खांसी की तकलीफ भी होती है, क्योंकि कोहरे से बड़े प्रदूषण से सांस लेने में परेशानी होती है, जिससे खांसी की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को अस्थमा है उनकी दिक्कत कोहरा बढ़ाने वाला है और इससे और ज्यादा बढ़ सकती है उनकी परेशानी। कोहरा ब्रोंकाइटिस का कारण भी बन सकती है, और क्योंकि प्रदूषण के कारण मॉक्स मेम्ब्रेन्स यानी कि सांस लेने वाली नली में नाक और फेफड़े के बीच सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है, और कोहरे से बड़ा प्रदूषण आंखों में जलन भी पैदा करता है। निवृत्ति मोहन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। निवृत्ति मोहन, ये बताइए कि आज दिल्ली में कोहरे के हालात कैसे हैं, क्या कोहरा छट गया है या सुबह जिस तरह की विजिबिलिटी थी अभी भी कमोबेश वैसी स्थिति बनी हुई है?
हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं जो आपकी सेहत को ठीक करने के लिए अपना अपना काम करते हैं। प्रदूषण से पर्यावरण का जो हाल किया है, ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट फूड को शामिल कर लें। विटामिन सी, अंगूर, संतरा, अमरूद, आंवला, कीवी, स्ट्रॉबेरी, पपीता, नींबू, विटामिन सी से भरे ये फल खाने से आपके शरीर को वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। विटामिन पी का खास स्रोत है फ्लेनोइड्स, जो कि आपके दिल को नुकसान पहुंचाने वाले धुएं से आपको बचाएगा, जिसके लिए आप ग्रीन टी, कॉफी, ब्लैक टी, चॉकलेट, ब्रोकली, मूली, लाल और पीला शिमला मिर्च और हरी पत्तियों वाली सब्जियां जरूर खा सकते हैं। विटामिन ई, बादाम, कद्दू के बीज, अलसी, सनफ्लावर और ऑलिव ऑयल और हरी पत्तियों वाली सब्जियां विटामिन ई प्रदूषण से आपकी कोशिकाओं को वे नुकसान को ठीक करेगा। विटामिन ए, अगर आप विटामिन ए सही मात्रा में नहीं लेते हैं तो इससे भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है। अब विटामिन ए के लिए आप आम, गाजर, शकरकंद, कद्दू, पपीता, ब्रोकली, दूध उत्पादन वाले जो पदार्थ होते हैं वो और हरी सब्जियों वाली सब्जियां खा सकते हैं, जो कि प्रदूषण से आपकी आंखों को होने वाले नुकसान से आपको बचा सकता है। लाइकोपीन, टमाटर, वाटरमेलन, पपीता, लाल अमरूद, लाल शिमला मिर्च और लाल साग खाएं, इससे आपको मिलेगा। इन सब में मिलने वाला लाइकोपीन सांस की बीमारियों से लड़ने में शरीर की मदद करता है। अब आपको एक ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि इस धुएं का बॉडी पर क्या असर होता है। आपके बाल झड़ रहे हैं तो इसके पीछे ये धुआं है। खांसी और ब्रोंकाइटिस का खतरा भी अगर पैदा हो जाता है आपके अंदर तो इसकी वजह है वायु प्रदूषण। हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इस धुंध से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर पड़ जाता है। बीपी पेशेंट्स को ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। आंखों में एलर्जी हो जाती है। नाक, कान, गले में इंफेक्शन होने लगता है। सांस लेने में दिक्कत आ सकती है और फेफड़ों में इंफेक्शन भी हो सकता है। निवृत्ति मोहन हमारे साथ जुड़ गई हैं। निवृत्ति मोहन, इस वक्त क्या स्थिति है दिल्ली में? अभी भी फॉग है, प्रदूषण की वजह से लोगों की परेशानी अभी भी बढ़ रही है या सामान्य है स्थिति? देखिए विद्या, फॉग की स्थिति तो इस वक्त भी है, बेशक इस वक्त हल्की फॉग है, लेकिन जो सुबह सुबह के समय फॉग बढ़ जाता है, रात ढलते ढलते फॉग बढ़ जाता है, वो उससे पॉल्यूशन इस सिवियर लेवल तक पहुंच जाता है कि इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो जाती है। 300 से ऊपर का जो AQI है उतना पहुंच जाता है, इसका मतलब एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट हैं, CAC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अनुमिता रॉय चौधरी जी। अनुमिता जी, क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए अभी जो आंकड़े हमारे सामने हैं ये काफ़ी डराने देने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि अभी हम फिर से देख रहे हैं कि प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ रही है और इससे जो हो रहा है इसे काफ़ी नज़र आ रहा है कि जैसे कल की जो मात्रा थी वो अभी इमरजेंसी की लेवल तक पहुंच चुकी है। और इसका मतलब ये हुआ कि अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने पोल्यूशन कोड के बारे में बात की है, लेकिन घर के अंदर के पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो कितना खतरनाक है, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए और उसकी स्थिति अभी कैसी है? जी, इंडोर पोल्यूशन भी एक ख़तरनाक पोल्यूशन है, ये हमेशा मैम रिसर्च से भी साबित होता रहा है। नासा की रिपोर्ट्स में बार बार ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इंडोर पोल्यूशन भी है और इसे किसी भी तरह से आउटडोर पोल्यूशन से कम नहीं आंका जा सकता। तो आप क्या कहेंगे मैम, क्या बाहरी पोल्यूशन का इंडोर पोल्यूशन पर असर पड़ रहा है? नहीं, देखिए इंडोर पोल्यूशन जो हमारे देश में है ये दो तरीके के हैं। एक हैं जो गरीबों के घर होते हैं जहाँ पर चूल्हा जलाया जाता है और ये आज हमारे देश में द सेकेंड मोस्ट किलर है ये, और पर उसके साथ साथ जो अमीरों के जो घर हैं वहाँ पर जो प्रदूषण की मात्रा हम देखते हैं उसका भी वो आउटडोर प्रदूषण का भी प्रभाव इंडोर पर हो रहा है। पर अमीरों के घरों पे इंडोर प्रदूषण के और भी कारण होती हैं कि हमारे जो फर्नीचर्स हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी फर्निशिंग है, कारपेट्स हैं, जो पेंट्स हम लगाते हैं, इन सारे तमाम चीज़ों से भी जहरीले गैसेस निकलती हैं। लेकिन मैम एक इंडोर पोल्यूशन की एक ये अच्छी बात ये हमारे लिए ये है कि हम उसको कुछ
हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या इफेक्टिव तरीके हो सकते हैं कि कंट्रोल किया जाए? देखिए, जो हम कर सकते हैं कुछ हैं, जैसे पौधों की बात हो रही है, ये कुछ इंडोर प्लांट्स हैं जो अगर आप उनको लगाएं तो ये जो जहरीले गैसेस हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और ये होता भी है। एयर प्योरीफायर्स की बिक्री बहुत अगर दिल्ली में बात करें तो ये घरेलू प्रदूषण का स्तर कितना ज्यादा बढ़ गया है, कितना असर इसका पड़ता है घर में रहने वाले वाली महिलाओं पर, बच्चों पर, या फिर जो दूसरे लोग रहते हैं उस पर रख सकते हैं। मैम, इंडोर पॉल्यूशन का कितना असर पड़ता है जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं, क्योंकि बाहर भी पॉल्यूशन है, इंडोर भी पॉल्यूशन है। हालांकि डेंसिटी पॉल्यूशन की घर के अंदर कम हो जाती है बाहरी पॉल्यूशन की, लेकिन फिर भी कुछ लेवल तो बढ़ता है, कितना असर पड़ता है सेहत? देखिए, कुछ ऐसे तो आंकड़े नहीं हैं कि सिर्फ हमारे घरों के प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, ये बताना बहुत मुश्किल है। पर हम ये जानते हैं कि घर के अंदर जो प्रदूषण है उसका कारण भी बाहरी प्रदूषण है, और इसको अगर हमें कम करना होगा तो क्लीनर एक्शन प्लान के लिए की जो बात हो रही है उसको हमें बहुत सख्ती से हमें उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। तो जो इंडोर पोल्यूशन की जो इश्यूज हैं, जो एक है बाहर की जो आउटडोर पोल्यूशन है वह कारण है और उसको हमें रोकना है। तो इसका मतलब ये हुआ निवृत्ति मोहन कि घर से बाहर तो हम तमाम तरह के सेफ्टी मेजर्स लेकर निकलते हैं, लेकिन घर के अंदर जो प्रदूषण है उसके बारे में या तो हमें जानकारी नहीं होती है, या फिर वो प्रदूषण हमें किस तरीके से किल कर रहा है यानी कि मार रहा है उसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं होती है। लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है, कुछ पेड़ हैं, कुछ प्लांट्स हैं जिनको आप घर के अंदर लगा सकते हैं और इस तरह के प्रदूषण से बच सकते हैं। इसके अलावा अपने खान पान में भी आप कई ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल कर इस तरह के प्रदूषण से बच सकते हैं।